बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एट्थ क्लास, इट्स योर साइंस लेक्चर एंड आवर टॉपिक इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन? थ्री मेन पार्ट्स। Three main parts of human brain are forebrain, midbrain and hindbrain. Again call with me, forebrain, midbrain and hindbrain. Diagram अगर हम देखें तो ये हमारे पास human brain की diagram है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें कि largest part हमारे brain का कौन सा है तो हमें वो diagram के through भी नज़र आ रहा है कि वो है forebrain। forebrain के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा brain का further part है जिसे हम कहते हैं midbrain, और midbrain से further next जो है वो है hindbrain, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ forebrain, ठीक है। forebrain के भी नेक्स्ट हमारे पास फर्दर थ्री पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट के ब्रेन के ये पार्ट्स जिनके आगे भी फर्दर हमारे पास डिवीजन्स मौजूद हैं वो फंक्शंस के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से किस तरह से डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट है वो है सेरिब्रम। अच्छा जी, सेरिब्रम के बारे में अगर हम पढ़ें तो टॉप मोस्ट और लार्जेस्ट पार्ट हमारे ब्रेन का क्या है? सेरिब्रम। यानी अगर आपको क्वेश्चन आता है या एमसीक्यूज आता है विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो हम बताएंगे कि वो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का? सेरिब्रम है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। अब ये हेमिस्फीयर्स में डिवाइड है और उस हेमिस्फीयर को हम क्या कहते हैं? राइट और लेफ्ट। जो राइट साइड पे हेमिस्फीयर है उसे हम कहेंगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और जो लेफ्ट है उसे कहेंगे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब हर पार्ट का अपना अपना एक काम है, अपने अपने उसके फंक्शंस हैं। तो हम देखते हैं कि सेरिब्रम का फंक्शन क्या है। कंट्रोल्स मैनी एक्शंस लाइक थिंकिंग, ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, सीइंग, हेयरिंग, परसेप्शंस यानी हमारे ख्यालात क्या हैं, मेमोरी जिसे हम याददाश्त कहते हैं, ठीक है, स्पीच, डिसीजन मेकिंग यानी फैसला करने की कुव्वत हमारी कितनी है, ये तमाम चीज़ें कंट्रोल कौन करता है? हमारा सेरिब्रम, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड डिवीजन फोर ब्रेन की, थैलेमस। द वर्ड इज थैलेमस। अच्छा जी, अब ये जो थैलेमस है ये प्रेजेंट है इनसाइड सेरिब्रम स्मॉल स्ट्रक्चर। अब ये हमारे पास जो सेरिब्रम की ये सारा पार्ट है उसके बिल्कुल अंदर ये छोटी सी स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आ रही है वो है थैलेमस। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन याद करेंगे कि यह कहाँ प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट है इनसाइड सेरिब्रम स्मॉल स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड थैलेमस। अच्छा जी, अब इसका काम क्या है? इट कंट्रोल्स मैनी सेंसरी फंक्शंस। अब हमारी जो फाइव सेंसेस हैं, ठीक है, उनके फंक्शंस यानी उन तमाम को कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास फोर ब्रेन का जो है वो है हाइपोथैलेमस। लोकेशन है इसकी लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, ठीक है। ये हमारे पास हाइपोथैलेमस जो है वो प्रेजेंट है किसकी बेस पे? थैलेमस की बेस पे, ठीक है। और इसका काम क्या है? इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना इसका काम है। हंगर, थर्स्ट यानी भूख, प्यास जो हमें लगती है वो तमाम चीज़ें जो है वो कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस, विच इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेन की सेकेंड कैटेगरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। मिड का वैसे मतलब होता है दरमियानी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन का जो दरमियानी पार्ट है उसका नेम ही है मिड ब्रेन, ठीक है। अब मिड ब्रेन की
लोकेशन क्या है हमारे पास कि मिड ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है बिलो सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे जो है वो प्रेजेंट है मिड ब्रेन। इससे पहले हमने थैलेमस का पढ़ा था, तो थैलेमस इनसाइड द सेरिब्रम था, ठीक है, इनसाइड द सेरिब्रम यानी सेरिब्रम के अंदर ही उसका छोटा सा पार्ट था। लेकिन अगर हम देखेंगे कि मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है तो वो बिलो, यानी बिलो का मतलब होता है नीचे, ये सारा पार्ट हमारे पास सेरिब्रम का है, ठीक है, उसके नीचे हमारे पास यह क्या है, ये मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन का काम क्या है, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, हमारे जो इंफॉर्मेशन हैं सेंस ऑर्गन से उसे रिसीव करना, ठीक है, विच इज़ पास्ड ऑन अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है, जो कि फोर ब्रेन के मुनासिब हिस्से को बाद में पहुंचा दिया जाता है। यानी अगर हंगर या थर्स्ट से रिलेटेड कोई काम है तो वो हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, और अगर हमारे पास कोई परसेप्शंस हैं, मेमोरी, स्पीच, डिसीजन मेकिंग है तो वो जाएगा सेरिब्रम के पास, ठीक है, और अगर सेंसरी फंक्शंस जो हैं तो वो जाएंगे थैलेमस के पास, यानी फर्दर उनको आगे जो है हमारे पास फोर ब्रेन उसके डिफरेंट पार्ट्स को ये उनके काम के लिहाज से मैसेज कन्वे करता है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज़ कॉल्ड हाइंड ब्रेन, ठीक है, हाइंड ब्रेन के हमारे पास फर्दर थ्री पार्ट्स हैं, सेरिब्लम, पॉन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है, सेरिब्लम से रिलेटेड या इससे मिलता जुलता एक नाम हमने फोर ब्रेन में भी पढ़ा है जो है सेरिब्रम, लेकिन हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है वो है सेरिब्लम। अच्छा जी, सेरिब्लम जो है उसकी लोकेशन अगर देखें अंडर बैक पार्ट ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम के बैक पार्ट के नीचे जो है वो प्रेजेंट है सेरिब्लम, और ये क्या कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है हमारे बॉडी बैलेंस को, ठीक है, एंड प्रिसाइज बॉडी मूवमेंट, ठीक हो गया, यानी हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल करना, हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखना, ये काम है सेरिब्लम का। सेकंड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इज पॉन्स, पॉन्स की अगर हम शेप देखें तो वो ओवल स्ट्रक्चर है, ओवल किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग देखें, ठीक है, अंडा, उसकी शेप भी क्या होती है हमारे पास ओवल। अब ओवल शेप है हमारे पास पॉन्स की, और ये लोकेशन अगर देखें कहाँ प्रेजेंट है, बीनीथ मिड ब्रेन, और फंक्शंस है इसके कंट्रोल्स, कंट्रोल करता है ये स्लीप को, स्वेलोइंग, टेस्ट, इक्विलिब्रियम यानी हमारी तवाजुन को, हम कोई चीज़ स्वेलो कर रहे हैं खाते हुए कोई चीज़, हम अपने मुँह के अंदर लेके जा रहे हैं, निगल रहे हैं, स्लीपिंग हमारा एक्शन जो है यानी सोने का, वो तमाम चीज़ें कंट्रोल करेगा पॉन्स। नेक्स्ट है हमारे पास मेडुला ओब्लोंगेटा। अब जो मेडुला ओब्लोंगेटा है ये लास्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, ठीक है। अब ब्रेन के आगे हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो जाता है और वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला ओब्लोंगेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान एक कनेक्शन है, ठीक है, यानी उन दोनों को कनेक्ट करता है। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या किस चीज़ को कंट्रोल करेगा, हार्ट बीट को, ब्रीथिंग को और डाइजेशन को। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ब्रेन ख़त्म हो चुका। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।